बात करते हैं। चलिए आज कुछ दिल की बात करते हैं। आप छोड़िए, हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज हम एक स्टूडेंट की कहानी सुनते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पहुँचने के लिए 12 साल सख्त मेहनत की, वो भी किसी की बातों में आके। तो जब हम मैट्रिक में होते हैं तो हमें कहा जाता है कि मैट्रिक कर लो, FSC की लाइफ बहुत अच्छी है। जब हम इंटरमीडिएट में आते हैं तो हमें कहा जाता है अभी पढ़ लो, यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी है। अब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में आ चुके हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी लाइफ आखिर है कैसी। और हाँ, हमें यूनिवर्सिटी लाइफ के मज़ों के बारे में भी वो लोग बता रहे होते हैं जिन्होंने खुद आज तक यूनिवर्सिटी का गेट तक भी नहीं देखा होता। तो चले आए आखिर हम इस गरीब स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी लाइफ देखते हैं ये है कैसी। तो इस बेचारे ने लोगों की बातें सुन सुन के सोचा हुआ ये था कि यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत आज़ादी होती है और जब दिल करे तब जाते हैं और जब दिल करे तब पढ़ते हैं। लेकिन अब ये रोज़ाना सुबह 6 बजे उठता है। यूनिवर्सिटी लाइफ, नाम तो सुना ही होगा, चलो आज देखते हैं। सुबह 6 बजे उठ के यूनिवर्सिटी जाना इतना मुश्किल नहीं जितना नहाना। हालांकि ऐसा नहीं है। फोटो नहीं खींचना, ये देख पायो? अरे बैक के जरा फिर देखो, माथा वो खड़ा हुआ। थैंक यू। हां इधर बस बस शिवी मेरी जान। तो अभी मैं पहुंच गया यूनिवर्सिटी और यहाँ पे हम मिलते हैं दो दोस्तों से। ना कर दीजिए, एक मिनट। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर छत पे, वहाँ से हम थोड़ा यूनिवर्सिटी के सीन दिखाएंगे। ऊपर जो व्यू है जो बहुत बेस्ट है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर छत पे। अभी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से यूनिवर्सिटी का थोड़ा सीन। यार यहाँ से मज़ा नहीं आ रहा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ दिखाने के। यार जाकिर भाई थोड़ा बताएं आज की जो प्रोग्राम के बारे में। यार आज प्लेटफिक्स और डिपार्टमेंट का मुशायरा हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में। पहला मुशायरा है ये यूनिवर्सिटी में। बाहर से भी आ रहे हैं मुशायरे? बाहर से 4 से 5 शायरा आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा मुशायरा होगा। आज आप शेर सुनाएंगे? यार सुना दूंगा इंशाल्लाह। देख रहा था मुझे हैरानी से, हर कोई देख रहा था मुझे हैरानी से, ये मेरा पहला तारुफ था परेशानी से, और मेरी तालीम बला कैसे मुकम्मल होती, एक तो इश्क हुआ इश्क भी उस्तानी से। ओके तो अभी हम चलते हैं कैंटीन की। बिल में पे नहीं करोगे बातें, लोग कैसे करते बताओ बताओ। क्या तो हम व्लॉग अपलोड होने के बाद वहाँ पे कमेंट जरूर करेंगे, वसीम भाई ने हमें नाचते नहीं किया, व्लॉग में जुड़ बोला है। और वसीम भाई के लिए हमने परमिशन ली है, साथ ही लिए कि वो व्लॉग सिर्फ अकेला बनना है, ये यूनिवर्सिटी में बना सकता है और किसी को परमिशन नहीं है, इसलिए आप आज उनसे फीड लेंगे, ये हमेशा आकर व्लॉग बना सकते हैं। ऐसा ना बोलो, जो परमिशन लेटर लेने के ना 10 साले गए, तो हमने आपके लिए लिए है ना। ये अभी सारे इधर बैठे हैं। चलो यार ऑर्डर करो, क्या करना? ऑर्डर ऑर्डर किस चीज़ का? ऑर्डर इस तरह कैंटीन आए तो मतलब ऐसे वापस से बिल आपे देना। एक मिनट पहले बात, पहले चेक करो कि बिल आपे देना। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास के बैक बेंचर्स का वेट कर रहा हूँ, यानी मेरे ग्रुप मेंबर्स,
जिन्हें ये भी नहीं पता कि यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट किसे कहते हैं। सभी आ जाएंगे भाई। करण के हूँ। ये इनसे मिले हमारे क्लास के सारे। ये कहाँ से? अभी इसे असाइनमेंट जमा करनी है। ये अभी आया है। किधर है असाइनमेंट तेरा? असाइनमेंट किधर है? हाँ, ये लोग ना यूनिवर्सिटी के ऊपर बोझ है और कुछ भी नहीं है ना। ये लोग असाइनमेंट करते हैं ना, ये तो हमारा एक दिमाग खराब किया हुआ है। मैं ग्रुप चेंज कर रहा हूँ। ओके इत्तेफाक से आज यूनिवर्सिटी में मुशायरा हो रहा है, तो चलिए मुशायरे की तरफ चलते हैं। ये अभी तैयारी हो रहा है यहाँ पे, कैमरे पर लग रहा है जी। क्या कह रहे हैं? हम जा रहे हैं मुशायरे की तरफ। यहाँ पे मुशायरे होते हैं कुछ देर में, बैठ रहे और मुशायर भी लोग आ रहे हैं। हम इनसे कुछ आपको शेर भी सुनाएंगे। हेलो, कर रही थी चश्मे गुनुदा से गुफ्तगू, वो कर रही थी चश्मे गुनुदा से गुफ्तगू, मेहरान उसका तर्ज हुनर देखता रहा। चैन दिल को इसलिए आया नहीं, चैन दिल को इसलिए आया नहीं, नाम अबर कोई खबर लाया नहीं। चैन दिल को इसलिए आया नहीं, नाम अबर कोई खबर लाया नहीं। तू ही है मेरा सभी मालो मता, तू ही है मेरा सभी मालो मता, और कुछ भी मेरा सरमाया नहीं। बहुत शुक्रिया। तू ही है मेरा सभी मालो मता, और कुछ भी मेरा सरमाया नहीं। ये ज़माना है बड़ा ही मतलबी, ये ज़माना है बड़ा ही मतलबी, क्या तुझे था मैंने समझाया नहीं। ये ज़माना है बड़ा ही मतलबी, क्या तुझे था मैंने समझाया नहीं। तूने जाना चाह तो जाने दिया, तूने जाना चाह तो जाने दिया, तुझको बातों में भी उलझाया नहीं। बहुत शुक्रिया।